वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप विनर सेशन एंट्री खेलते हो किसी भी मैच का, तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जो है आप जुड़ सकते हो और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ये है कि 1947 से लेके आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसको एक टेन्योर के बाद पब्लिक फिर आगे लेके आए कि भाई फिर से इन्हें लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे मुल्क में बारियां लगी हुई हैं, तो एक ही खानदान है, वो बार बार आ रहा है, 37, 37, 40 साल से हुक्मरानी कर रहा है। लोगों को चेंज मिलता ही नहीं है, अगर कोई चेंज आने की कोशिश भी करता है तो उसको आने नहीं देते, ठीक हो गया। सब मिल जाते हैं, उसको भगा देते हैं। अच्छा अंकल जी, इसमें एक ये चीज है कि अगर वो कोई भी हमारा वजीर आजम हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें चेंज की जरूरत भी नहीं है। वो आए, दो दफा आए, तीन दफा आया भी है। इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने दो टेन्योर, नरेंद्र मोदी जी ने दो टेन्योर पूरे किए हैं, तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार या तीसरी बार फिर मोदी सरकार, मतलब चेंज में कोई इशू नहीं कि... नहीं, असल में पता क्या, हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये चीज है, ये बात आपने ठीक किया। ये ना कहें कि भाई हमें चेंज, हमको चुनने का मौका दिया ही नहीं जाता, पीछे से ही सिलेक्ट होके आता है, ठीक हो गया। ये वोट, ये सपोर्ट, ये सिलेक्ट, ये सब ड्रामाबाजी है, ठीक हो गया। ये पहले से अनाउंसिंग होती है। अच्छा, अब देखें कि जो आने वाला है वो नवाज शरीफ को अनाउंस है। अच्छा पहले पता है, करवाए ना करवाए, हालांकि अगर मेरिट पे आएगा तो पीपल पार्टी आएगी, क्योंकि इस बार उनकी बारी बनती है। बारी, ये देखें, ये भी आपने बात थोड़ी, वैसे आपकी मर्जी है, आप पीपल पार्टी के जो भी के, लेकिन बारी से अगर, इधर अगर बारी से आएंगे तो उनकी बारी बनती है। अगर सपोर्ट वोट से अगर सही तरीके से लाएं तो इन दोनों में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, यानी अगर बारी पे आएंगे जैसे कि 76 साल से चलता आ रहा है तो फिर पीपल पार्टी, और अगर मेरिट पे आए फिर इनमें से कोई नहीं, फिर कौन बनता है? मतलब आपके ख्याल से अगर मेरिट में पाकिस्तान में इलेक्शन हो, बिल्कुल जो सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारा? नहीं नहीं, उसके लिए पता है क्या, ये सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब इलेक्शन है सही होंगे, देखें हम दुकानदार हैं, जब से पाकिस्तान बना दुकानदारों का नुमाइंदा MNA बना ही नहीं है। जो भी वजारत लेता है, वजारत खजाना लेता है, कारोबार की, खजाने की, उसको कारोबार के मतलब पता ही नहीं होता। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसका जो काम है वो उस फील्ड में जा नहीं, सीट बनती उसको सीट दी नहीं जाती। रेलवे का वजीर होता है, उसको जूती पहननी नहीं आती, उसको ये नहीं पता होता कि रेलवे में ऊपर कैसे चढ़ना गाड़ी में तो और बैठना कैसे है, इस वजह से हमारे कैसे लेना है। इस वजह से हमारी जो रेलवे का सिस्टम है वो भी तो आपके सामने है ना, दिवालिया हो गया। ऐसे ही है, PAEA का महकमा जिसको देंगे उसको हवाई टिकट के बारे में पता नहीं होगा, हवाई सफर के बारे में पता नहीं होगा। अच्छा, आपने रेलवे सिस्टम की बात की है, हमारा रेलवे सिस्टम और ये नेबर इंडिया, वहाँ पे तो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ी है, वहाँ पे बड़ा बड़ा एक मतलब एडवांसमेंट आ गई है, और बहुत ज्यादा जो उनसे लोग हैं वो रेलवे का सफर, रेलवे रेल का सफर करते हैं। हमारे यहाँ पे तो रेलवे सिस्टम ही खत्म हो गया है, जो उनसे क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही। असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वो ही हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती, ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इस वक्त तो वो काकड़ साहब जो बैठे हुए पूरा नाम आरजी, क्या पूरा नाम? तो मेरा ख्याल है इनको ही बैठा रहने देना। अच्छा, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक हो गया। क्या वजह है वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकोनॉमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तीसरे टेन्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या? उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में। हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो आवाम भी उसको रिस्पॉन्स देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई, ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्शन ये सब धोखे हैं, आवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला लगाया। किधर से, आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, ठीक है, जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है,
लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, या अमेरिका की वजह से जो कुछ हो रहा है। आपको नहीं लगता मेरी और आपकी बड़ी गलतियां हैं? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा सिलेक्ट करते नहीं है, मेरिट पे सिलेक्ट करते नहीं है, बाद में अमेरिका पे नाम लगा देते हैं, रशिया पे लगा देते हैं, चाइना पे लगा देते हैं। नहीं नहीं, मेरिट पे कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ तो जितने भी वजीर आजम है उनके ऊपर सबके मुकदमात है, सब साबित हो चुके हैं। तो अब हमने चोरों को ही वोट देने हैं, तो ये देख लेते हैं यार, ये बड़ा चोर है छोटे चोर को ले आओ। हमारा प्राइम मिनिस्टर इस टाइम जो भी आया, जो पहले गुजर चुका है, वो अपनी कौम से, अपने पब्लिक से, अपनी अवाम से मोहब्बत करता है या सिंसियर है? वो मोहब्बत करना उसकी मजबूरी है, सिंसियर है, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ उसने अपना वक्त पूरा करना होता है, उसको मजबूरी होती है, उसने अपने जो कारकुन है उनसे भी आपसे काम लेने होते हैं, उनको भी खुश करना होता है, इदारों से भी अपनी मर्जी के जो सपोर्टर हैं उनको काम करवा के देने होते हैं। तो सब ने एक दूसरे से मिलके ये चेन बना हुआ है, ये चेन चेंज नहीं हो सकता। सर, नाम आपका? मेरा नाम अली काजमी है। क्या करते हो? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त, लॉ का स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, तो आपको पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफी ज्यादा ग्रिप होगी अच्छी वाली। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करते हैं कि रखें। जबरदस्त हो गया यार। मेरा जो एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दिल का दर्द लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो ये है कि अभी के जो इलेक्शंस, अभी सूबाई जो इलेक्शन चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, नरेंद्र मोदी वो भी जीत गया अच्छे वोट से। वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर भी वो बंदा ही हुकूमत करेगा। 2024 के अगर हुकूमत की हम बात करें तो टोटली पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो 15 साल हो जाएंगे उनको हुकूमत को। तो हमारे यहाँ पर कोई आधा भी नहीं टिक पाता, कोई पूरा भी नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो 15 साल वो और 30 साल जो CM रहे गुजरात के, 30 साल हुकूमत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिसीज है ना, वो सारा कुछ इसके पीछे वो है, उसकी कामयाबी के पीछे। आप देखें कि किसी भी मुल्क की जो आवाम है ना, वो अपने हुक्मरान से चाहती है कि हमारे मुल्क में ना फॉरेन इंटरेस्ट आए, लोग भरोसा करें, आपके ट्रस्ट करें। वो आप देखें इंडिया में अभी एप्पल का स्टोर खुला है, वो वहाँ पे टेस्ला को लेके आ रहे हैं, गूगल को लेके आए हैं, अब चंद्रयान उनका देखें मिशन, तो वो इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। अब आवाम देख रही है, हमारी तरह तो अंधी है नहीं, पाकिस्तानी आवाम की तरह तो अंधी है नहीं कि हम सोए हुए हैं और आंखें मलती हैं और ऐसे अंधाधुंध हम इंटरेस्ट करते हैं लोगों पे। लेकिन उनका यह है कि ट्रस्ट लेवल वो चीज़ों को देख के बढ़ा है, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में काम, उन्होंने सपोर्ट्स पे काम किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम किया, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया। आप जिसमें भी देखें ना, इंडिया को, इंडिया बहुत आगे। अब G20 समिट हुआ है, वहाँ पे देखें अभी जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी है ना, वो एक लीडर बन चुका है, वो आलमी लीडर बन चुका है, वो लीड करता है। ये COP28 की जो अभी समिट हुई है, उसमें आप देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखें, वो एंड पे उन्होंने लगाया हुआ था दीवार के पीछे, ठीक है, और मोदी फ्रंट पे खड़ा था। तो ये चीज़ें देख के हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्मिंदगी का बहस है, वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, सीखना चाहिए हमें, सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोग बात करते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, पाकिस्तान में भी करप्शन, ठीक है, वहाँ का थोड़ा सिस्टम ठीक है, करप्शन थोड़ी है, लेकिन है इसमें हमारे निज़ाम ये है, गलत है कि हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसी और के पास होती है, अथॉरिटी किसी और के पास होती है। जब तक ये दोनों बातें इंडिया की तरह, जब इंडिया के वज़ीर आज़म के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई ऊपर कोई अदलिया का बंदा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कोई उसको हटा नहीं सकता, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में ये कल्चर है कि चार चार बंदे आते हैं।